स्वागत है गेमिंग दीवानों का मेरे समथिंग न्यू चैनल में। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड ऐप्स को चलाएं पीसी में। हाँ, अगर आप एंड्रॉयड ऐप को पीसी में चलाते हैं किसी एमुलेटर के हिसाब से, मतलब किसी एमुलेटर की हेल्प से या मदद से, तो क्या आपका पीसी ख़राब हो सकता है? क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि आपके पीसी में एरर आ सकते हैं? क्या आपका मालवेयर वायरस आ सकता है पीसी में? तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत भाई हैं जिनके पास पीसी है लेकिन भाई इतना लो है कि जो 12-12 15-15 जीबी के जो गेम है वो भी नहीं खेल पाते हैं, 5-5 जीबी के भी गेम नहीं खेल पाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में जो गेम लॉन्च हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ पीसी के गेम्स होते हैं, लेकिन उसको निचोड़ के जो है वो एंड्रॉयड में डाल दिया जाता है। तो उस वजह से पीसी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जो लो बीपीसी होता है तो उसमें चल जाता है। जैसे आप लोग बहुत ब्लू स्टैक ज़्यादातर तो बहुत फेमस वेबसाइट है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वी गो। हाँ, तो बात करते हैं क्या इससे कोई एरर आ सकता है। तो भाइयों, इसका मैं कहना चाहूँगा कि इससे कोई एरर नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जब नया नया पीसी ख़रीदा था तो ब्लू स्टाक पबजी डाउनलोड करने के लिए मैंने ब्लू स्टाक को डाउनलोड किया, तो मुझे लगा एरर आ गया। और पहले मुझे पीसी में कुछ नहीं आता था, और बूटेबल पेन ड्राइव क्या होती थी ये तक भी नहीं पता था, और मुझसे 500 रुपये घसीट लिए गए थे। जी हाँ, 500 रुपये घसीट लिए गए थे। लेकिन आपको मैं सिंपल बता दूँ, इसमें कोई एरर नहीं आता है, ठीक है? इससे आपके पीसी पर कोई भी एरर नहीं आएगा। अगला सवाल लोग पूछते हैं, क्या इससे कोई हार्डवेयर सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है? तो देखिए, ब्लू स्टाक जो है वो एंड्रॉयड ऐप्स को रन करता है, और एंड्रॉयड ऐप्स इतने, मतलब ज़्यादा इतने भारी नहीं होते, इतने लाइट होते हैं कि प्रोसेसर पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जी हाँ, तो इससे कोई हार्डवेयर पे प्रॉब्लम नहीं आ सकती है लगभग। कुछ लोग सोचेंगे कि ब्लू स्टाक ऐप यूज़ ही क्यों करना है, ठीक है? अब देखो, आपका अगर डिवाइस लो है, ठीक, और एंड्रॉयड में जो है, एंड्रॉयड मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आप फिर से बता देता हूँ, एंड्रॉयड के जो ऐप्स हैं वो पीसी के लिए लो होते हैं, मतलब लो होते हैं, इतना ज़्यादा हार्म नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा लोड नहीं देते हैं। लेकिन तब भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर ब्लू स्टाक की आपको ज़रूरत पड़ती है और अगर आप उससे चीज़ें करना चाहते हैं, उससे मतलब गेम्स खेलना चाहते हैं, ज़्यादातर तो लोग गेम्स ही खेलने के लिए लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास पीसी लो है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ब्लू स्टाक डाउनलोड करने का। अगर आप में पिछले गेम चल जाते हैं तो उसको चलाइए, और अगर नहीं चलता तो भैया ब्लू स्टाक से अच्छा हमें कोई ऐप लगता नहीं है, क्योंकि उसमें एक ख़ास बात हमको लगती है कि उसके जो मतलब कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक दे देता है अपने कंट्रोलर, मतलब है ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे कि मतलब गन यहाँ से चलानी है, गोली यहाँ से चलानी है। और फिर उसको एक और ख़ास बात होती है कि आप उसको अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, और ब्लू स्टाक इतना सेफ है, मतलब बहुत सेफ है। तो माई कंप्यूटर इज़ स्लो, लोग बोलते हैं कि भैया मैंने यार ब्लू स्टाक डाउनलोड किया और मेरा यार डिवाइस स्लो हो गया। तो वो डिवाइस स्लो क्यों हो जाता है, ये रीज़न जान लीजिए। तो वो डिवाइस इसलिए स्लो हो जाता है क्योंकि एंड्रॉयड में आप जानते हैं कि कैचक फाइल बनी रहती है, कैचक बोलते हैं, चेज जो भी फाइल बोलते हैं, वो बनती चली जाती है। आपको पता होगा, या आप ऐप इन्फॉर्म में जाके एंड्रॉयड के कैचक फाइल देखते हैं, उसको क्लियर किया भी जाता है और क्लीन मास्टर से किया जाता है। तो भैया अब इसमें पीसी में कैसे करें? तो बड़े सिंपल स्टेप है यार, आप होता है विंडो प्लस आर, इस पर क्लिक कीजिए। विंडो प्लस आर पे क्लिक करने के बाद देखिए, आपको टेम्प लिखना है, और टेम्प फाइलें आपके पास खुल जाएगी। और एक और टेम्प होता है परसेंटेज लगा के टेम्प, फिर बाद में परसेंटेज, फिर ओके कर दिए तो सारी कैचक फाइलें खुल जाती हैं। तो आप उसको डिलीट करते रहिए, तो आप जब डिलीट करते रहेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो नहीं होगा, ठीक है, और एकदम मक्खन की तरह चलेगा। आप ब्लू स्टाक चलाइए, जब कोई सा भी एमुलेटर चाहिए चलता रहेगा। तो ब्लू स्टाक लगभग मैं कहना चाहूँगा कि हार्म नहीं करता है। और अगर आपको ब्लू स्टाक से या पीसी में
या एंड्रॉयड में कोई प्रॉब्लम आती हो या पीसी से आपको ब्लू स्टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम आए तो भैया कमेंट में ज़रूर बताना और आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करना अगर आपने पिछली भी प्रॉब्लम आई है तो। तो बस भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। सी यू, टेक केयर, बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.